उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, जिसके बाद अब पार्टी के अंदर की कला खुलकर सामने आने लगी है। इस बीच जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी घमासान मचना तय है। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि यूपी में आज जो हमारी सरकार की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव आने तक हालात और खराब हो जाएगी, जिसे हमारी सरकार बनने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से पीडीए की बात कर रही है, उससे लोगों में व्यापक तौर पर भ्रामक स्थिति पैदा करती है। उस हिसाब से देखूं तो आज की तारीख में हमारी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से यूपी के चुनाव पर फोकस करना होगा। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके।